नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत। इस वक्त मेरे साथ बेहतरीन सिंगर हैं गरिमा सिंह मधुरिमा जी, आपका स्वागत है। जी मैं लिरिक्स राइटर हूं और ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तो बधाइयां अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील हो? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगी, सभी श्रोताओं को, खासकर मेरी फैमिली से लेकर जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, सभी को थैंक्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और ये पूरी टीम जो ग्रीन सिने अवार्ड की है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी ने इस योग्य समझा और मुझे यहाँ तक बुलाया। मैं गुजरात से यहाँ अवार्ड लेने आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से ग्रीन सिने अवार्ड हो रहा है और एक प्रोत्साहन मिलता है जो कलाकार हैं उनको, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को? ये एक बहुत अच्छी पहल है, सराहना करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। ऐसे जो आयोजक हैं उनको ज़रूरी है कि ऐसी आयोजन करते रहें, क्योंकि जो नए कलाकार होते हैं कहीं ना कहीं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इसलिए ऐसे आयोजन जो ये आयोजक करते हैं, इनको और भी इस तरीके के प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि हम जैसे कलाकार जो दूर दूर रहते हैं और मुंबई से कम आना जाना होता है, उनको भी मौका मिल सके और वो अपने ऑडियंस से और अपने लोगों से मिल सके। ये हमारी कर्मभूमि है, यहाँ आने का मौका हम लोग को भी मिलता रहे, बस। सही बात है। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हर जगह पहचान मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री आज जिस जगह पे है, मैं मेरे हिसाब से, मैं एज अ राइटर इतना तो कहना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्री अभी और ऊंचाई पर होनी चाहिए थी, जो जगह इसको अभी मिल नहीं पाई। लेकिन अब ऐसी उम्मीद दिख रही है कि नहीं, इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है और एक नई पहचान हम लोगों को भी मिलने वाली है। तो इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, सभी को, मतलब सबकी एक अपनी जो भूमिका है, सब अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि जो एक फिगर बन गया है लोगों की नज़र में भोजपुरी का, वो क्लियर करने की अब जो एक पहल हुई है अश्लीलता मुक्त भोजपुरी की, तो उसके लिए अब सभी को आगे आना होगा और भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलानी होगी, क्योंकि भोजपुरी एक मिठास से बैठे हुए भाषा थी और अब वो सिर्फ एक मतलब अश्लीलता से पहचानी जाने लगी है। तो मुझे लगता है कि नहीं, भोजपुरी को अब आगे लाने के लिए सबको, सुनने श्रोताओं को भी और राइटर्स को, सिंगर्स को, सबको सोचना पड़ेगा और हमको एक नई भोजपुरी का शुरुआत करना पड़ेगा, जो सभी को अच्छा लगे और जो सब सुन सकें, जिसकी सराहना सब कर सकें। सही बात कही है, मतलब लोग एग्री करेंगे आपकी बातों से। अब बताइए, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और आप क्या कुछ ध्यान में रखती हैं जब आप एक लिरिक्स लिखती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं? दरअसल मैं तो अभी नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, अभी कुछ पिछले 4-5 सालों से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, पर अच्छा अनुभव रहा है अब तक, जितना भी किया है सब भक्ति गीत, देशभक्ति गीत, और बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट आने भी बाकी हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी काम बंद भी था और मैं यहाँ मुंबई में रहती नहीं हूँ पर्टिकुलर, इसके वजह से मैं काफ़ी काम कर भी नहीं पाती ज़्यादा। तो मैं अब आगे काम करूँगी और भी अच्छे अच्छे गीत लिखना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं भोजपुरी की बेटी हूँ तो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अस्मिता के लिए एक जो अपना योगदान है वो मैं देना चाहूँगी भोजपुरी को। और ढेर सारी बधाइयाँ आपको देसी भारत की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योति जी।